But hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. What an eventful Monday for news breaking and for news media portals it has been. आज से सुबह से it has been a roller coaster ride. आराम से बैठ जाओ, सीट की पेटियां बांध लो. आपको exactly बताऊंगा कि क्या हुआ है and what the exact controversy is. देखिए guys, आज के episode शुरू करने से पहले अब अपने चैनल पे तो मुझे ये बात बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपने चैनल वाले जानते हैं क्या होता है. आप लोग के जब भी कमेंट्स आते हैं, आमिर भाई सलमान खान ने ब्लैक टाइगर साइन कर ली, वीडियो बनाओ. आमिर खान ने अभी नई पिक्चर साइन कर ली है, उसके बाद आमिर खान चले गए कारगिल शूट करने के लिए. जॉन इब्राहिम इन सलार, यश रॉकिंग स्टार यश एज नेवी ऑफिसर. मैं सब खबरें पढ़ता हूँ गाइस, मेरे पास सब खबरें आती है. एंड ये बात जरूरी नहीं कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है. ओके, होता है कई बार कि मेरे पास न्यूज़ नहीं आती है, किसी और के पास आ जाती है, उसके बाद मेरे पास आती है. तभी भी गाइज आपने देखा होगा, आई टेक माई टाइम. मैं 5 दिन लेता हूँ, 6 दिन लेता हूँ, 1 हफ्ता लेता हूँ, उसके बाद न्यूज़ ब्रेक करता हूँ. इमरान हाशमी वॉज इन टाइगर 3, ये न्यूज़ मैंने ऑलमोस्ट 18 दिन के बाद ब्रेक की. फिर गाइज मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ कि सच्ची न्यूज़ दो अपने चैनल पर. हार्डली हमारे चैनल पे वो न्यूज़ गलत होती होगी कि मैंने अगर बोला कि किसी का म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म का ये है तो कोई और निकला. मैंने अगर बोला होगा अरे ये गाना इस फिल्म में होगा, वो गाना इस फिल्म में नहीं होता है. दोज आर एडिटोरियल कट्स, वो गाने कट हो जाते हैं फिल्म में से, किसी का रोल ही कट हो जाता है. संतोष शुक्ला का पूरा रोल ही दबंग 3 में से जितना बड़ा रोल था वो ही कट हो गया. नैन्सी जंग का पूरा रोल कट हो गया राधे में. वो सब चीज़ें चलती है. लेकिन गाइस अब सोशल मीडिया कैसा हो गया, यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एज मीडिया रिपोर्टर्स, एज यूट्यूबर्स. वन हैज टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन ब्रेकिंग द न्यूज, क्योंकि गाइज आज के जमाने में कोई किसी अपने बारे में गलत सुनना पसंद नहीं करता. सबकी जो सहनशीलता है वो समाप्त हो चुकी है. पहले एक जमाना था किसी के बारे में कुछ भी बोल लो लोग सुन लेते थे, आजकल ऐसा नहीं है माहौल. आजकल ना अच्छाई को सुनने को पसंद करता है, अच्छाई एक्सेस में भी हो जाती तो भी लोगों को बुरा लगता है, बुराई तो कोई सुनने के मूड में है नहीं. ऐसे टाइम पर जब आपकी फिल्म को लेकर कोई फेक न्यूज देता है, तब गाइज आजकल स्टार्स चुपने बैठते हैं. एंड इनकी फेयर लिस्ट में सबसे आगे आते हैं अक्षय कुमार. एंड अक्षय कुमार की दाद देना चाहता हूँ कि ऐसे फेक न्यूज वालों को, ऐसे फेक न्यूज पोर्टल्स को मुंह बंद कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है. नहीं गाइज, इनसाइड न्यूज लाना एक आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है. इनको पूछना, प्रोडक्शन हाउस से बात करना, उनकी पीआर से बात करना, फिर उसका पीआर डिनाई करना, कभी कभी कितनी बार तो खबरें देने से मना कर देते हैं. खबरें पता होती है लेकिन नहीं बता सकते क्योंकि मना किया है बताने के लिए. ये सारी चीजें एक ब्रेकिंग न्यूज वालों को झेलनी पड़ती है. लेकिन गाइस एक ऐसी न्यूज जो अप फ्रंट ही लग रही है कि वो नहीं होने वाली है, हमेशा 3-4 बार फूंक कर अगर दी जाए तो वही सही है. एंड आई थिंक मैं तो बहुत बार ख्याल रखता हूँ, हाल ही में ही जॉन इब्राहिम एंड सलार का जो न्यूज़ था वो फेक न्यूज़ था, एब्सोल्युटली रबिश. मैं चाहता तो ब्रेक कर सकता था, मेरे को व्यूज़ मिल जाते, फिर बाद में एक और वीडियो बनाता था, अरे भाई वो फेक न्यूज़ है सॉरी, हाँ फिर व्यूज़ मिल जाते थे. यश नेवी ऑफिसर इन सलार, फेक न्यूज़, फिर व्यू मिल जाते थे. बेल बॉटम के लिए अक्षय कुमार ने 30 करोड़ रुपये कम कर लिए, फिर फेक न्यूज़ मिल जाते थे. खिलाड़ी रीमेक कर रहे हैं सलमान खान, व्यू मिल जाते, अगले नाके बोलता अरे सॉरी हाँ वो फेक न्यूज़ थी माफ़ कर दो, फिर व्यू मिल जाते थे. गाइस यूट्यूब पर तो व्यूज की खुजली के लिए हाथ ऐसे खुजलाते रहते हैं बट के. हाँ, सूर्यवंशी ट्रेलर, सूर्यवंशी फुल मूवी, सूर्यवंशी फुल सॉन्ग्स, डिस्क्रिप्शन टैग्स, मैं देखता हूँ आजकल यूट्यूबर्स को पूरे डिस्क्रिप्शन में ट्रेलर टीजर फुल सॉन्ग्स फुल मूवी लिख के व्यूज लेते हैं. देख के कैसा लगता है, लेकिन वो रास्ता ना मैंने स्टार्टिंग से अपनाया है ना आगे कभी अपनाऊंगा. एंड आप सभी लोगों से कहता हूँ, अभी गाइस थोड़ा माहौल बदल चुका है, स्टार्स आर रिप्लाइंग टू यू. कभी खुदा ना खास्ता आपके वीडियो पे किसी स्टार ने रिप्लाई कर दिया, कभी कोई एक्शन ले लिया, तो आप इसी के जिम्मेदार होंगे. एंड यही सुबह हुआ है. वेल फ्रेंड्स, आज सुबह ये खबर ब्रेक हुई एंड ये क्या पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी हुई है, क्योंकि शाम होते होते एक धमाके में तब्दील हो चुकी है. मैं आपको समझाता हूँ. सुबह ये खबर आई कि किस तरह से आहान शेट्टी, यस फ्रेंड्स आहान शेट्टी जो सुनील शेट्टी के पुत्र है, वो अपना डेब्यू साजिद नडियाडवाला की अगली फिल्म यानी कि तड़प में कर रहे हैं. एंड अब वो जो अगली फिल्म करेंगे तड़प के बाद, वो रहेगी अक्षय कुमार यानी के खिलाड़ी कुमार के साथ में. बहुत ही बड़ी न्यूज थी, ब्रेकिंग न्यूज. मैं पूरा दिन मेरा चला गया इसको पता करने के लिए, बहुत वक्त लग गया. इनफैक्ट आई नो सम ऑफ आहान शेट्टीज फ्रेंड्स, ओके. लेकिन कहीं से भी यहाँ पर एक खबर की जो पुक्ति है ये दिखाते हुए नहीं दिखाई दी. एंड दिखाया कि पूरा का पूरा टीम है एनजी का, वो चाहता है कि अक्षय आहान साथ में आए प्रोजेक्ट के लिए. प्लानिंग स्टेज में यूनिक स्टार कास्ट होगी एंड अक्षय और सुनील जो है यानी कि आहान के डैडी अच्छे दोस्त हैं. ये फिल्म धमाका क्रिएट हो जाएगी. मेरे कमेंट सेक्शन में भी कितने कमेंट है, आहान शेट्टी और अक्षय कुमार की वीडियो बना दे, चल वीडियो बना दे आहान शेट्टी अक्षय कुमार की.
गाइस दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क ओवर हियर. खबरें लेट दूंगा, व्यू भी कम आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेपुटेशन इज एट स्टेक. कभी कोई लगता है कि खबर गलत आ रही है, वही वीडियो बंद कर देता हूं बनाने के लिए. स्टॉप इट. ये तो रही गाइज सुबह की बात. अब गाइज यहां पर दूसरा एक बहुत बड़ा पोर्टल है जिसने यहां पर ये जो न्यूज आई थी सुबह को, इसको सही रूप से खारिज करते हुए डिनाई कर दिया कि ये न्यूज सरासर फेक है, ये न्यूज में कोई जिम्मेदारी नहीं है एंड ये न्यूज फेक है. ओके, अब क्या हुआ? वेल फ्रेंड्स, फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने जितने के जितने मीडिया पोर्टल्स हैं, जितने के जितने न्यूज जो ब्रेक करते हैं, उनको चौंका दिया. क्योंकि जिस शख्स एंड जिस पोर्टल ने आज सुबह ये न्यूज ब्रेक की थी, उसने ये जो नया पोर्टल है उसको खरी खोटी सुना दी. एंड खरी खोटी इस तरह से सुनाई कि तुम कौन होते हो इस मेरी खबर को फेक न्यूज कहने वाले, इतनी अथॉरिटी से कह रहे हो कि मेरी खबर जो मैंने ब्रेक की है वो फेक है. क्या तुम इस फिल्म में प्रोड्यूसर हो? क्या तुम्हारा फिल्म में कोई हिस्सा है? मैं भी जानता हूं कि क्या प्रोटोकॉल होता है पब्लिकेशन का, लेकिन गाइज यहां पर मैं चाहता हूं कि जिस भी शख्स ने यह आर्टिकल लिखा है, ये कह के कि मेरा आर्टिकल फेक है, वो अपना नाम ले, ना ही के उस पोर्टल पे अपना मुंह छुपाकर कमेंट करे एंड यहां पर मेरा नाम जो है वो खराब करने की कोशिश ना करे. जर्नलिस्ट हूं एंड यहां पर मैं उन्हीं लोगों से कांटेक्ट में रहता हूं, उन्हीं प्रोडक्शन वाले से जिससे कांटेक्ट में तुम भी रहते हो, एंड अब तक वहां से यानी कि एनजीए से किसी ने भी डिनाई नहीं किया है कि यह खबर गलत है. समझ में आया? अब मुझे ये नहीं पता कि तुमको किसने बता दिया कि ये जो मैंने न्यूज ब्रेक की है आहान शेट्टी और अक्षय कुमार की, वो न्यूज गलत है. अब ये सुनने के बाद अक्षय कुमार डिसाइडेड टू गिव दिस न्यूज रिपोर्टर अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन. अक्षय कुमार ने बोला कि बस अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा फेक न्यूज मैं सहन नहीं कर सकता हूं, मैं सुन नहीं सकता हूं. अक्षय कुमार ने लिखा 10/10 ऑन फेक न्यूज स्केल, यानी कि न्यूज कंप्लीटली फेक है. देखिए गाइस, इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है एंड इज्जत गिराने के लिए एक फेक न्यूज ही काफी है. मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, आई मीन अनजाने में बहुत बार हो चुका है मेरे साथ भी. लेकिन गाइस यहां पर ये अक्षय कुमार की तरफ से आना, इट इज वेरी सैड. एंड आई थिंक अब जितने भी लोग हैं जो न्यूज ब्रेक करते हैं या फिर यू नो न्यूज देते हैं, इनको थोड़ा संभलना चाहिए, थोड़ा ठहरना चाहिए. देखिए गाइस, पीआरस जो न्यूज देती है वो समझ में आता है कि हाँ चलो पीआर ने न्यूज ब्रेक की है, बस चेक करने के लिए फिल्म के लिए. बहुत बार जो फिल्म के पब्लिसिस्ट रहते हैं, फिल्म गर्म है या ठंडी है, ये चेक करने के लिए न्यूज देती है कि हाँ चलो न्यूज ब्रेक करके देखो कि न्यूज ब्रेक करके मार्केट में क्या रिस्पॉन्स आता है. समझो ये स्टार, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये स्टार फिल्म की रीमेक करने वाला है, देखो उसके फैंस क्या चाहते हैं, क्या आता है, एंड अगर रिस्पॉन्स खराब आता है देन दैट स्टार कैन ऑल्सो नॉट डू दैट फिल्म. ऐसी चीजें समझ में आती है. लेकिन यहां पर अक्षय कुमार ने लिखा है कि मैं अपना खुद का धंधा खोल लूं यहां पे फेक न्यूज देने का एंड फेक न्यूज बस्टिंग. अच्छा, मेरे जो पिछले 5-6 वीडियो क्या है, वो क्या है? मैं सिर्फ फेक न्यूज बस्ट करता हूं बैठ के यहां पर. ये खबर माफी चाहता हूं गलत है, ये खबर ये भी न्यूज फेक है. मैं यही कर रहा हूं 3-4 दिनों से. इसके बीच में मैं अपने जो न्यूज है, अपनी जो वीडियोज है वो नहीं बता रहा हूं. कल नेवी ऑफिसर खबर, वो गलत है. अक्षय कुमार धूम फोर नहीं कर रहा है, वो गलत है. ये भी न्यूज ब्रेक कर रहा हूं बैठकर. हाँ, उसके बाद उससे पहले ब्लैक टाइगर की न्यूज, वो भी ब्रेक कर रहा हूँ बैठकर. तो यही काम चल रहा है आजकल गाइस, ये फेक न्यूज. अभी कुछ है नहीं बताने के लिए तो लोग फेक न्यूज बता रहे हैं बैठकर. पिछले एक हफ्ते में मैंने आपको कितने बड़े बड़े राइटर्स जो फिल्म लिख रहे हैं उनसे रूबरू कराया. अगर अक्षय कुमार बहुत गुस्से में फिलहाल, उन्होंने लिखा है कि न्यूज 10/10 फेक है, आहान शेट्टी और मेरे बीच में कोई भी फिल्म नहीं हो रही है, एंड उन्होंने ये न्यूज डिनाई की एंड कहा है कि ऐसा चलता रहा तो मेरे को खुद का एक बिजनेस खोलना पड़ेगा जहाँ पे मैं फेक न्यूज जो है दे रहे हैं उनको बस्ट कर रहा हूँ, यानी कि उनकी न्यूज को वो कह रहा हूँ कि न्यूज फेक है, ये न्यूज फेक है. फिर अक्षय कुमार बेल बॉटम की न्यूज डिनाई की, धूम फोर की न्यूज डिनाई की, एंड आज आहान शेट्टी और अक्षय कुमार की न्यूज डिनाई की. सो गाइस, आहान शेट्टी अक्षय कुमार के बीच में कुछ भी नहीं हो रहा, एंड ये एपिसोड के माध्यम से मैं अपने चैनल वालों से कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी चैनल वालों को मैं समझा नहीं सकता हूँ. उनकी जो जिंदगी, उनको अपने चैनल पर जो करना है करो, आई डोंट केयर व्हाट दे डू ऑन दैट चैनल. ओके, मैं अपने चैनल वालों के लिए खाली कह रहा हूँ, अगर कोई न्यूज आती है गिव मी टाइम, मुझे वक्त दीजिए, एक दिन का, दो दिन का, मैं जरूर क्लैरिफिकेशन लेकर आऊंगा. एंड आगे जाके कभी मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ. ठीक है, आप भी समझ के लीजिए. एंड अक्षय कुमार के इस इस ट्वीट के बाद जो है जर्नलिस्ट जिन्होंने न्यूज छापी है उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीजें होती रहती है. आपने 100 बड़ी बड़ी खबरें दी है एंड एक खबर की वजह से आपका जो मनोबल है वो नहीं टूटना चाहिए. यू शुड कम अप
with more good articles and more good news breaks and don't take it to the heart. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हर एक जर्नलिस्ट के लिए. As always, stay cool man.